तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहते हैं कि ए बॉक्स है जिसका वेट 196 ऑन स्प्रिंग बैलेंस से मेजरमेंट होता है, तो वो नॉर्थ पोल पर है। तो नॉर्थ पोल ये है, तो नॉर्थ पोल ये वाला है, तो नॉर्थ पोल पे जो वेट है वो क्या भाई, mg है, और उसकी वैल्यू 196 न्यूटन है। तो अगर 196 न्यूटन है तो यहाँ से मास निकाल लोगे तो 196 न्यूटन डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो मास आ जाएगा 19.6 kg। ये बेसिकली मैं क्या किया, जी से डिवाइड कर दिया, जी की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 ले लिया हूँ, जी की वैल्यू 10। तो ये अब सेम स्टोरी मैं इक्वेटर पे, तो ये कहानी पोल पर थी एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पे क्या आ जाएगा भाई, इक्वेटोरियल इक्वेटर पे अगर तुम देखोगे तो क्या होता है, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे जो वेट होगा, वेट एट इक्वेटर दैट इज mg। तो m की वैल्यू कितनी, mg की वैल्यू इक्वेटर पे g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है, और लैम्डा की वैल्यू 0 होती है इक्वेटर के लिए, एक लाइन और कर, तो mg माइनस r ओमेगा स्क्वायर इज द वैल्यू एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे इतना है, तो एक काम करते हैं, ये आ जाएगा mg और माइनस mr ओमेगा स्क्वायर दैट इज द वेट एट इक्वेटर। तो mg की वैल्यू 196 है, माइनस मास की वैल्यू कितनी है, 19.6। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दो तो रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर और 10³ मीटर और ओमेगा, तो ओमेगा कितना होगा, अगर आप ओमेगा देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π 3.14 2π/T टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का, 24 आवर, तो ये आ जाएगा 3600 सेकेंड। तो ओमेगा स्क्वायर ये फाइनली, तो जब ये पूरा सॉल्व कर लोगे तो वेट जो आता है 195.32 न्यूटन आएगा। मतलब देखो वेट जो है कम आएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम आएगा, क्यों, क्योंकि यार पोल पे सबसे ज़्यादा वेट होता है, तो पोल पे मैक्सिमम वेट होता है, तो पोल पे 196 है, तो 196 से कम ही आएगा, तो 196 से कम आएगा, तो ये 196 से सारे कम है, तो अब फाइनली कितना आया, तो फाइनली जो आया हमारा 195.32, तो 195.32 दैट इज सी ऑप्शन सही है। तो ये बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन था इसमें, तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बेटा।